अयोध्या में भद्रसा नगर पंचायत के होने वाले नगर पंचायत के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पंचायत चुनाव को लेकर चेयरमैन व सभासद का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही नगर पंचायत का चुनाव होना है। तो वहीं मीडिया कर्मियों ने ग्राम प्रधान से परमिशन होकर अब से सभासद का चुनाव होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 17 से सभी सभासद पद प्रत्याशी अच्छा पहले पहले प्रधानी था ना पहले आप प्रधानी कर रहे हैं। वहीं सीमन में ही जो है सभासद हुआ है किसान भाई पर सीमन में ही बताया कि अभी तक ग्राम प्रधानी थी यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। जो प्रधान थे वो 3 बार से लगातार प्रधान जीते लेकिन इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। ना ही नाली ना ही खंडजा ना नल है और ना गरीबी योजना के अंतर्गत ना किसी को कोई आवास मिला। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड के लोगों ने बताया कि सभासद के प्रत्याशी तौर पर युवा शिक्षित सभासद प्रत्याशी इंजीनियर शहबाज खान उर्फ जीशान है। लोगों ने कहा कि मुझे ऐसे ही प्रत्याशी चाहिए क्योंकि इनके बाबा दादा हमारे भद्रसा नगर पंचायत में सामाजिक थे, उन्होंने समाज सेवा की, हम ऐसे ही प्रत्याशी को वोट करेंगे। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जिसे जिसान सर बहुत अच्छे हैं और हम लोग का बहुत अच्छे से विकास मतलब देखभाल विकास सब कुछ करेंगे। बस ये और भी लोग तो हैं प्रत्याशी के तो और लोग का हम नहीं जानते जिसाने का है नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं इंजीनियर भी हैं। हम लोग को पहले जब वहाँ पर स्कूल उनका है तो वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पर हमको बताते थे कि आप थोड़ा पढ़ाई करो अच्छे बनो आगे बढ़ो ऐसे हमको शिक्षा देते थे। क्या उम्मीद रखती हम तो उम्मीद रखते हैं कि सर अब आपकी जिसान सर का ही सभासद चले। क्या नाम आपका? माय नेम इज जेनी साद। यहाँ पर इस गांव में अब इसमें प्रधानी का क्या बताया जाए। प्रधानी का यहाँ मसला ये है कि लोग प्रधानी जीत जीत के बैठ जाते हैं और यहाँ पे जो गरीब हैं मजलूम हैं उनका कोई काम नहीं होता। सिर्फ उनको नाम उनको बताया जाता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी कोई यहाँ तक प्रधान खुद ही जो प्रधान हुआ है वो खुद ही मजबूर हो गए हैं परेशान हो गए मतलब वो प्रधानी लायक है ही नहीं ना। तो अब प्रधान क्यों लोग जो है चुनेंगे। अब लोग जो चुनेंगे नया युवा और पढ़ा लिखा बोले तो यंग जनरेशन में यंग लोगों को जो चुनेंगे। लेकिन प्रधानी जीते हों या 10 बार जीते हों मसला ये है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। आज भी जो चीज़ जैसे पड़ी है जहाँ पे जैसा है वहाँ पे वैसा ही है। कुछ कोई विकास नहीं हुआ है ना किसी के सामने कोई नाली बनी है ना किसी का कोई घर सही किया गया है ना कुछ किया गया। सिर्फ उनको बोला गया है कि आपको ये कर दिया जाएगा उसके बाद जीतने के बाद ये कभी सामने नहीं आते ना उनको पूछने आते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर।